आगरा उत्तर प्रदेश के हरि पर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 48 दिवसीय श्री भक्तामर स्तोत्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के आयोजन में भक्त श्री जी की पूजा अर्चना करते हुए विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं। जैन आगम में श्री भक्तामर स्तोत्र का विशेष महत्व माना जाता है। जैन समाज द्वारा जब भी इस विधान का 48 दिवसीय आयोजन किया जाता है तो विधानकर्ताओं को उसका सुफल अवश्य मिलता है। विश्व शांति के लिए हरि पर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित 48 दिवसीय विधान में भक्तों ने 10 मई को श्री जी का अभिषेक शांति धारा एवं नित्य मह पूजन कर मंत्रोच्चारण के साथ विधान की सभी मांगलिक क्रियाओं को सम्पन्न किया। शांतिनाथ महिला मंडल के द्वारा आयोजित हो रहे 48 दिवसीय श्री भक्तामर स्तोत्र मंडल विधान में भाग ले रहे नीलेंद्र जैन लोहाड़िया एवं चमन जैन ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि आज वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर विधान में सहभागिता करने का अवसर मिला। मेरा आज शादी का 36वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर मैंने आज इसका पुण्यायोजक बनने का मेरे को सौभाग्य मिला है। वही आज बहुत आनंद आया भक्तामर विधान करने का और प्रभु की बड़ी कृपा है। यहाँ 48 दिन का महिला मंडल के द्वारा शांतिनाथ महिला मंडल के द्वारा विधान हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने नियम लिया है कि 48 दिन तक हम विधान करेंगे और इसको करने से हमको बहुत सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो रही है। और आजकल माता जी भी आई हुई हैं, विशुद्धपति माता जी, उनका भी सानिध्य मिल रहा है, उनके प्रवचन हो रहे हैं। विश्व शांति के लिए हो रहे 48 दिवसीय श्री भक्तामर स्तोत्र मंडल विधान का समापन 19 जून को विश्व शांति महायज्ञ के साथ किया जाएगा। जैन फोकस के लिए हरि पर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। Thank you.